नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। राजस्थान में 11 जुलाई से शुरू हुई सियासी गहमागहमी जारी है। 19 जुलाई को भी कई दाव पेंच देखने को मिले। कांग्रेस के दोनों गुटों के विधायक अभी भी होटलों में हैं। वहीं राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रही है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार की स्थिति मजबूत करने की कोशिशों में लगे हैं। इसमें वो कुछ हद तक कामयाब होते भी दिख रहे हैं। आइए जानते हैं कि राजस्थान के रण के 5 बड़े अपडेट क्या रहे। 19 जुलाई को भारतीय ट्राइबल्स पार्टी का गहलोत सरकार को समर्थन। बीटीपी की राजस्थान विधानसभा में 2 सीटें हैं, उसने गहलोत सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया है। पार्टी के मुखिया महेश भाई बसावा ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि भले ही उनके पास 2 विधायक हैं, लेकिन वे किंग मेकर हैं। गहलोत सरकार ने आदिवासी इलाकों के विकास का आश्वासन दिया है, ऐसे में उन्हें समर्थन दिया गया है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि 5 दिन पहले तक बीटीपी विधायक राजकुमार रोत सरकार पर बंधक बनाने का आरोप लगा रहे थे। साथ ही बीटीपी नेतृत्व ने अपने विधायकों से कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही दूर रहने को कहा था। सचिन पायलट को न्योता नहीं देगी बीजेपी। कांग्रेस में 2 फाड़ के बीच बीजेपी अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया ने 19 जुलाई को साफ कर दिया कि उनकी पार्टी गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगी। सचिन पायलट को बीजेपी में शामिल करने के एक सवाल पर पुनिया ने कहा कि वे किसी को न्योता देने नहीं जा रहे हैं, हाँ अगर कोई आता है तो उसका स्वागत है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी कहा कि उन्होंने अभी तक गहलोत सरकार से बहुमत साबित करने को नहीं कहा है। कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने 18 जुलाई को ऑडियो टेप मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। अब फोन टेपिंग को लेकर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट मांगे जाने की खबर के बाद कांग्रेस के सीनियर नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया, कहा कि पुलिस की जांच चल रही है और एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। इसमें रुकावट डालने के लिए बीजेपी ने अपनी सुविधा के अनुसार सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि फोन टेपिंग मामले में सीबीआई जांच की धमकी देकर केंद्र सरकार राजस्थान सरकार की आगे की जांच रोकना चाहती है। माकन ने कथित तौर पर ऑडियो टेप में शामिल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का इस्तीफा भी मांगा है। वहीं उदयपुर वाटी से कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुड़ा ने आरोप लगाया कि उन्हें पार्टी बदलने का लालच दिया गया। उन्होंने कहा कि संजय जैन नाम के जिस दलाल को गिरफ्तार किया गया वह उनके पास भी आया था। उसने 6 महीने पहले उन्हें वसुंधरा राजे से मिलवाने की बात कही थी। गुड़ा ने दावा किया कि विधायकों को खरीदने के मामले में गिरफ्तार 3 लोग पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के करीबी हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बार फिर से सचिन पायलट को लौटने का न्योता दिया। कहा कि सचिन पायलट को बीजेपी की आवाभगत को त्याग कर पार्टी से बातचीत करनी चाहिए। जब से सियासी संकट खड़ा हुआ है तब से कांग्रेसी विधायक होटलों में है, फिर चाहे वो गहलोत गुट के हों या पायलट गुट के। पायलट गुट के विधायक केवल ट्वीट करते दिख रहे हैं, जबकि गहलोत गुट के विधायक अलग अलग रंग में नजर आ रहे हैं। उनके योग करने, मुगले आजम, लगान जैसी फिल्में देखने, होटल के किचन में इटालियन खाना बनाना सीखने और गाना गाने की फोटो और वीडियो सामने आ रहे हैं। 19 जुलाई को कुछ कांग्रेस विधायक हम होंगे कामयाब गाते हुए दिखाई दिए। वहीं दूसरी ओर खबर है कि गहलोत विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकते हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई ने खबर दी है। कहा गया है कि सरकार के पास सारे विकल्प हैं। अशोक गहलोत 18 जुलाई को राज्यपाल कलराज मिश्र से मिले थे। बताया जाता है कि उन्होंने सरकार के पास मौजूद बहुमत के बारे में जानकारी दी थी। वहीं पायलट गुट की ओर से शांति दिख रही है। हालांकि सचिन पायलट ने ट्वीट जरूर किया, लेकिन ये असम बाढ़ से संबंधित था। ये स्टोरी की थी हमारे साथी शक्ति ने। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।